वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी बावर्ची स्टाइल बड़े के गोश्त की चटपटी यखनी बिरयानी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम बड़े का गोश्त लिया है, जिसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें मैं 2-2.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी पानी में। और अब मैं यहाँ पे गोश्त ऐड कर दूँगी और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो देखिए, मैं नमक ऐड कर दिया है। अब गोश्त को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर के लिड लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के लिड लगा दूंगी। और गैस की फ्लेम को मीडियम करके 8 सीटी के बाद चेक करना है। 8 सीटी के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो देखिए, गोश्त जो है एकदम परफेक्टली गल गया है, एकदम परफेक्टली टेंडर हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़े का जो गोश्त है वो एकदम 100% ही गला हुआ होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे यखनी का पानी भी हम यूज़ करेंगे बिरयानी में, तो आप उसे रखना है ऐसे ही। इसके बाद मैंने 2 ग्लास यहाँ पर चावल लिए हैं, ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया है। इसके बाद मैंने एक देग लिए, जिसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करते ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी यहाँ पे फ्राई होने के लिए ऐड कर दिए। प्याज को एकदम क्रिस्पी करके फ्राई कर लेना है। तो देखिए, प्याज यहाँ पर अच्छे से क्रिस्पी होकर फ्राई हो रही है। तो देखिए, प्याज यहाँ पर क्रिस्पी होकर फ्राई हो गई है। और अब मैं यहाँ पे से प्याज को जो है निकाल लूँगी, थोड़ी सी प्याज निकालूँगी बाद में गार्निश करने के लिए, बाकी की प्याज जो है इसी देग में रहने देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे बोटियाँ ऐड कर रही हूँ यखनी की। सारी बोटियों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए, अब मैंने सारी बोटी ऐड कर दी है और यखनी का पानी भी ऐड कर दिया है देग में। अब मैंने 8 से 10 हरी मिर्चों को चॉपर स्टॉप में चॉप कर लिया है, या फिर आप चाहें तो 8 से 10 हरी मिर्चें ऐसे बीच में से तोड़ के ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, ताकि जो अच्छे से फ्लेवर जो है हरी मिर्च का ऐड हो जाए पानी में। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक। मैंने 1.5 टीस्पून नमक, यानी 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है यहाँ पे। और मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया था, तो इसीलिए चावलों के अकॉर्डिंग ही नमक बस यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2 ग्लास चावल थे जो मैंने वॉश करके रखे थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, 1 गिलास पानी तो यखनी का था और बाकी के 2 गिलास मैंने अभी ऐड किए हैं। तो टोटल जो पानी है वो 3 गिलास हो गया। 2 गिलास चावलों में 3 गिलास पानी एकदम परफेक्ट है। और ये जो फ्राइड अनियन मैंने निकाल के रखी थी बाद में गार्निश करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। आप चाहें तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं बिरयानी के ऊपर, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर ऐड कर दिए। इसके बाद कवर करके इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए, 80% तक हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर,
तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर आपके पास रेड फूड कलर या फिर ऑरेंज फूड कलर नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बस कलर बहुत अच्छा हो जाता है बिरयानी का, यानी देखने में अट्रैक्टिव लगती है बिरयानी। इसके बाद मेरे पास केवड़ा एसेंस है, तो मैं केवड़ा एसेंस की 3 से 4 बूंदें जो है ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 टीस्पून केवड़ा वाटर बिरयानी में ऐड कर दें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, रेस्टोरेंट वाले जो हैं केवड़ा वाटर का यूज़ करते हैं, इससे बिरयानी का टेस्ट भी बढ़ता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी गैस की फ्लेम एकदम स्लो करके, 5 से 6 मिनट के लिए हम बिरयानी में दम लगा लेंगे। दम लगाने से बिरयानी के जो चावल हैं एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और जो हम कलर ऐड करते हैं ये भी पक जाता है और केवड़े वाटर की खुशबू भी एकदम अच्छे से ऐड हो जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रेश फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड किए हैं और अब मैं यहाँ पे बिरयानी को सर्व करूँगी। तो देखिए बिरयानी हमारी बनके तैयार हो गई है, एकदम चावल भी खिले खिले बने हैं, कलर अच्छे से पक गया है और केवड़ा एसेंस की बहुत ही शानदार खुशबू जो है आ रही है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटी सी बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।